हेलो एवरीवन वेलकम टू क्लास सीरीज और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी को देखेंगे बेसिकली इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस आती है वो अपन देखेंगे राइट right? तो चलो लेट्स मॉउ टू डिफ्रेंस पार्ट तो जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं अपने दो कॉलम्स से फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है एक्टिव इम्यूनिटी एंड सेकंड कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है पैसिव इम्यूनिटी राइट तो अपनी फर्स्ट डिफरेंस क्या बोलती है इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द कॉन्टैक्ट विद पैथोजन और एंटीजन जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना बेसिकली कैसे प्रोड्यूस होती है अब जबकि वो कॉन्टैक्ट में आती है पैथोजन और एंटीजन के uh, इन दोनों के कॉन्टैक्ट में आती है जब एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है लेकिन पैसिव इम्यूनिटी डायरेक्टली अगर आप एंटीबॉडीज को डायरेक्टली तो प्रोड्यूस हो जाएगी एक्टिव इम्यूनिटी है वह लॉन्ग टर्म के लिए वह लंबे समय के लिए लास्ट करती है लेकिन पैसिव uh, इम्यूनिटी के अंदर क्या बोला है इट लास्ट फॉर फ्यू डेज पैसिव इम्यूनिटी सिर्फ कुछ दिनों के लिए उसकी लाइफ रहती है ठीक है देन थर्ड डिफरेंस के अंदर क्या बोला है इट हैज नो साइड

इट इज़ फास्ट इन एक्शन एंड प्रोवाइड्स इमीडिएट रिलीफ एंटीबॉडीज़ को कंज्यूम कर, करने के बाद में इमीडिएट एक्शन वो हो जाता है उसका और साथ में आपको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड होता है ठीक है देन फिफ्थ डिफरेंस क्या बोलती है इट जनरेट्स एन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट होती है एक्टिव इम्यूनिटी के द्वारा एंड यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी जनरेट नहीं होती किसके द्वारा पैसे इम्यूनिटी के द्वारा तो इसलिए बोला है इट डज नॉट जनरेट एन इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी ओके देन सिक्स डिफरेंस बोलती है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस बाई दी बॉडी अगेंस्ट दी एंटीजन जो एंटीबॉडीज होती है वह प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट दी बॉडी बाई किसके किसके थ्रू एंटीजन के थ्रू लेकिन पैसे इम्यूनिटी के अंदर क्या बोला है एंटीबॉडीज आर ऑपरेट फ्रॉम अदर सोर्सेज जो एंटीबॉडीज होती है वह अलग अलग सोर्स से ऑपरेट करते हैं राइट देन सेवन डिफरेंस क्या बोलती है द पर्सन इज एक्सपोज टू द एजेंट जो पर्सन होता है वह एक्सपोज होता है किसी एजेंट से देन पैसिव इम्यूनिटी के अंदर क्या बोला है द पर्सन इज नॉट एक्सपोज ट्रू द एजेंट बट इज गिवन द एंटीबॉडीज जो पर्सन होता है वह एजेंट से एक्सपोज नहीं होता है लेकिन उसको एंटीबॉडीज़ दी जाती है बल्कि ठीक है देन एट डिफरेंस क्या बोलती है ये टेक्स टाइम टू डेवलप इट्स रिस्पॉस यहाँ पे जो कि जो कि अपने देखा था रिएक्शन टाइम होता है एक्शन टाइम होता है वो बहुत ही कम होता है तो इसलिए यहाँ पे बोला इट टेक्स टाइम टू तो डेवलप इट्स रिस्पॉन्स जो उसका टाइम होता है डेवलप करने का रिस्पॉन्स का वो बहुत ही स्लो रहता है वह ही ज़्यादा टाइम लेता है लेकिन यहाँ पे पैसे इम्यूनिटी के अंदर क्या बोला है इट इज़ यूज़ वन द इम्यून रिस्पॉस हैज़ टू बी फास्टर जब भी इम्यून इम्यून का रिस्पॉन्स अपन को फास्टर चाहिए होता है तो अपन पैसे इम्यूनिटी को यूज़ करते हैं राइट जो कि एंटीबॉडीज़ लेने के बाद देन नाइन डिफरेंस क्या बोलती है नेगेटिव फेज़ में अक्कर जो एक्टिव इम्यूनिटी होता है उसके अंदर नेगेटिव फ़ेज़ भी अक्कर होता है लेकिन पैसे इम्यूनिटी के अंदर क्या बोला है नो नेगेटिव फेज रखा यहाँ पे कोई भी नेगेटिव फेज अक्कर नहीं होता है किसके अंदर पैसि इम्यूनिटी के अंदर राइट देन टेंथ डिफरेंस क्या बोलती है ऑफर्स बेटर प्रोडक्शन जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वह ज़्यादा बेटर प्रोडक्शन ऑफर करती है लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म रहती है बेसिकली एजूम करो ऐसे नेचुरल रहती है लेकिन पैसे इम्यूनिटी के अंदर क्या बोला है ऑफर्स इनफीरियर प्रोडक्शन यहाँ पे कुछ टाइम पीरियड के लिए प्रोडक्शन ऑफर करती है फिर बाद में उसके साइड इफेक्ट्स भी अपन को देखने को मिल सकते हैं ठीक है देन यहाँ पे सेम डिफरेंस की बात करिए जो कि आपने फिफ्ट डिफरेंस के अंदर देखा था एलेव uh, डिफरेंस बोलती है अपनी इम्योनोलॉजिकल मेमोज प्रेजेंट यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी प्रेजेंट रहती है किसके अंदर एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर लेकिन पैसे इम्यूनिटी के अंदर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एबजेंट रहती है ठीक है कि कौन एबजेंट रहती है इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी एबजेंट रहती है राइट जब अपनी ट्वेल्थ डिफरेंस क्या बोलती है प्रोड्यूस एक्टिवली बाई इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट जो इम्यून सिस्टम रहता है होस्ट का तो उसके थ्रू एक्टिव इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है राइट लेकिन पैसे इम्यूनिटी के अंदर क्या बोला है दी होस्ट इम्यून सिस्टम डज नॉट पार्टिसिपेट क्यों यहाँ पे होस्ट इम्यून सिस्टम पार्टिसिपेट नहीं करता क्योंकि अपन डायरेक्टली एंटीबॉडीज को कंज्यूम कर रहे होते हैं, राइट तो यह थी अपनी कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी